मुखर्जी नगर में सोमवार को कोचिंग संस्थान ऋषिआईएस का बेसमेंट सील हुआ तो लोगों ने उसके संस्थापक और सेलिब्रिटी बने टीचर विकास दिव्य कीर्ति से सोशल मीडिया पर सवाल पूछे, मगर इस जवाब पर दिव्य कीर्ति एक बार फिर सवालों में घिर गए। हमने छात्रों से बात की तो उन्होंने सवाल किया है कि दिव्य कीर्ति ने सरकार का दायित्व तो बताया मगर अपनी जिम्मेदारी बताना भूल गए। मुखर्जी नगर में लंबे समय से तैयारी करने वाले हिंदी मीडियम के छात्र राकेश रंजन ने कहा कि दिव्य कीर्ति सरकार और एजेंसियों पर ठिकरा फोड़कर निकल लिए। उन्होंने एक बार भी नहीं बताया कि उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है। वे अपने यहाँ पढ़ने वाले छात्रों के अभिभावक हैं। उनका स्पष्टीकरण एक सैद्धांतिक भाषण से ज़्यादा और कुछ नहीं है। यूपीएससी की तैयारी करने वाले ओम अग्रवाल कहते हैं कि विकास दिव्य कीर्ति ने अपने बयान के पहले ही पॉइंट में कहा कि हमें अपना पक्ष रखने में देरी हुई है। वह हमारे लिए एक अभिभावक की तरह है और वह हमारे रोल मॉडल है। उन्हें ये बताते में कभी देरी नहीं होती कि किस राज्य में किसकी सरकार बनेगी, अमेरिका में क्या हो रहा है और रूस में क्या हो रहा है, क्या खाने से डायबिटीज़ होता है। लेकिन 3 बच्चों की मौत के बाद उन्हें अपना बयान जारी करने में 4 दिन लग गए। इसमें भी ये नहीं बताया कि आगे ऐसी घटना ना हो इसके लिए कोचिंग संस्थान के मालिकों को क्या करना चाहिए। जौनपुर के रहने दिनेश यादव कहते हैं कि उन्होंने सरकार के बारे में तो बताया, खुद की जिम्मेदारी पर बोलने से बच गए। आजमगढ़ की रहने वाली छात्रा प्रीति यादव ने कहा कि दिव्य कीर्ति ने कहा कि छात्रों का गुस्सा जायज़ है, वह पहले दिन से हमारे साथ होते तब तो हम मानते कि वह हमारे साथ है, साथ खड़ा होना तो दूर, उन्हें अपना पक्ष रखने में भी 4 दिन का वक्त लग गया। अपने बयान के आखिरी पॉइंट में उन्होंने कहा, हमारी टीम से कोई चूक हुई है तो हम उसके लिए पुनः खेद व्यक्त करते हैं। उन्होंने जिम्मेदारी के केंद्र में खुद को रखने के बजाय अपनी टीम को रखा है, जबकि उनके संस्थान में बच्चे उनके नाम पर एडमिशन लेने आते हैं। ओल्ड राजेंद्र नगर के राव आईएएस कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में 27 जुलाई को हादसा हुआ और 3 छात्रों की जान चली गई। इस घटना में कोचिंग संस्थानों की असली तस्वीर सामने रख दी थी। लोगों को गुस्सा भड़का तो कोचिंग संस्थानों पर एक्शन शुरू हुआ, कई बेसमेंट सील किए गए। उसी दौरान सील हुआ दिव्य कीर्ति के कोचिंग का बेसमेंट भी। अब दिव्य कीर्ति ने 10 पॉइंट में अपनी बात रखी है, अपना पक्ष देरी से रखने पर दुख जताते हुए माफ़ी भी मांगी है। दिव्य कीर्ति ने कहा कि पीड़ित परिवारों के साथ हम हैं, अगर हम किसी भी तरह उनके लिए कुछ कर सकेंगे तो कृतज्ञता महसूस करेंगे। दिल्ली मास्टर प्लान 2021 को छोड़कर किसी भी दस्तावेज में कोचिंग संस्थानों के लिए स्पष्ट प्रावधान नहीं दिए गए हैं। इस सरकार का स्थायी समाधान यह है कि सरकार दिल्ली में 3-4 क्षेत्रों को चुनकर उन्हें कोचिंग संस्थानों के लिए नियुक्त करे। अगर सरकार क्लासरूम, लाइब्रेरी, हॉस्टल खुद तैयार कराएगी तो ना ज़्यादा किराए की समस्या रहेगी और ना ही सुरक्षा से जुड़े मामलों की।